माँ नैना देवी मंदिर परिसर में इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ है और हमारे स्काउट्स लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हम स्काउट के द्वारा यहाँ लगातार अपनी सेवा दी जा रही है और देखिए कहाँ से चीज़ है, फिर भी हम अपनी सेवाएं इस बारिश के सुहाने मौसम में दे रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 15 सितंबर है, तो कल माँ नंदा देवी का ढोला उठने वाला है, तो मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर इस पवन बेला पर अपना मतलब आप इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा करें। आज दो दिन बाद बरसात रुकी है तो श्रद्धालु यहाँ पर मेले में भर भर कर आए हैं, कहीं पूजा हो रही है तो कहीं श्रद्धालु यहाँ मंदिर परिसर में अपनी फैमिली के साथ एक समय बिता रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह अलौकिक पल है माँ नंदा सुनंदा देवी महोत्सव में। माँ नंदा देवी मंदिर परिसर में आज भक्तगण भर भर कर आए हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ नंदा सुनंदा सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इस विनती के साथ यह मेला आयोजन किया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालु लगातार अपनी पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर सेल्फी और फोटो लेना ना भूल रहे। आस्था की कोई उम्र नहीं होती और ना कोई बाधाएं किसी को रोक पाती हैं। ये जोश ये जज्बा दिखाता है कि माँ के प्रति उनका समर्पण कैसा है। आज जब मौसम खुला तो भक्तगण अपने परिवार सहित पूजा अर्चना करने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मंदिर परिसर में लोगों का आगमन लगातार जारी है। लोकल के भक्त भी यहाँ पर आकर सीधा श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मंदिर परिसर में ये जगह सबसे खास है, यहाँ पर लोग अपनी सेल्फी खींचना और इन यादों को अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते हैं। शिव के बिना शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है, यही कारण है कि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान हैं। इतना भव्य प्रांगण आवरण वातावरण जो कि माँ नंदा सुनंदा देवी के मंदिर परिसर में है, भक्त यहाँ आ रहे हैं, शीश झुका रहे हैं। मंदिर परिसर से लगता हुआ यह झील का किनारा और इसमें तैरती हुई छोटी छोटी नावें अपने आप में एक सुहाना दिन बना देती हैं। देवभूमि उत्तराखंड की परंपरागत वादियों में ढोल और दमाऊ इसके साथ नौबत लगाई जाती है और अपने घर परिवार की सिद्धि के लिए लोग अपना आशीर्वाद भी लेते हैं इन ढोलियों से। ये ना हो तो हमारी आशीर्वाद ना मिले, बहुत ही ज़रूरी है हमारी परंपराओं को जिंदा रखना, उनसे जुड़े रहना। मंदिर परिसर का यह मुख्य द्वार जहाँ से श्रद्धालु अंदर प्रवेश करते हैं और सामने ही दर्शन होते हैं हनुमान जी के। बिना हनुमान जी की आस्था के माँ के दर्शन का आशीर्वाद नहीं मिलता है। हनुमान जी के मंदिर के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें इस तरह से माँ नंदा के सुनंदा के मंदिर के दर्शन होते हैं। नैना देवी मंदिर जो कि मुख्य परिसर है, मुख्य मंदिर है और इन दिनों माँ नंदा सुनंदा अपने आपके आँखों के सामने विराजमान है। महोत्सव के रूप में माँ को याद किया जा रहा है, भक्त दूर दूर से आकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बाई ओर भैरव मंदिर, आप यहाँ पर श्री भैरव देवता के दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। समाज सेवा एक पुनीत कार्य है, इसमें हमारे छोटी छोटी गाइड्स बहनें बेटियां लगी हुई हैं, साथ ही साथ श्रद्धालु समाज सेवी भी इस कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
श्रद्धा के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, ये उम्र बता रही है कि श्रद्धा कितनी गहरी है। श्रद्धालु भक्तगण दर्शन करने के पश्चात इस तरह से इस द्वार से वापस आते हैं और प्रभु के आशीर्वाद लेकर, मैया का आशीर्वाद लेकर के अपने घर को खुशी खुशी विदा होते हैं। मंदिर परिसर में शांत वातावरण है, यहाँ पर श्रद्धालु अपनी उपस्थिति विभिन्न रूपों में दर्शित करते हैं। स्वच्छता एक अलग है, एक झलक है, अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने मंदिर परिसर को साफ रखना हम सबका पुनीत कर्तव्य है, यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता की झलक इन मंदिरों में साफ दिखाई दे रही है। उत्तराखंड का परंपरागत वाद्य यंत्र छोलिया नृत्य के साथ परंपरागत वाद्य यंत्रों को बजाते हुए हमारे छोलिया दल के पूरी टीम आज मेला है, सब लोग हंसी खुशी इस बात को समझ चुके हैं और यहाँ पर मेले में अपनी उपस्थिति छोलिया नृत्य छोलिया दल दे रहा है। आप देख रहे हैं दूर दूर से हमारे श्रद्धालु यहाँ पर, हमारे श्रद्धालुओं की बिल्कुल भीड़ लगी हुई है। आप कहाँ से आए हैं? सारे सब सुखला है तुम रक्षक का हो डरना, आपन तेज Thank you.
श्री माँ नंदा सुनंदा देवी महोत्सव में इस समय हमारे स्काउट्स अपने कर्तव्य पथ पर रड़ होते हुए स्काउट्स आने वाले आगंतुकों श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपनी तत्परता के साथ जुटे हुए हैं अपने इस कर्तव्य पर जिसे समाज सेवा कहते हैं। यह एक जो भी श्रद्धालु यहाँ मंदिर परिसर में आते हैं उनको मार्गदर्शन करना और साथ ही साथ उन्हें रास्ता दिखाना या बताना कि कहां पर किस तरह से जाना है, ये सारी जानकारी हमारे स्काउट्स के द्वारा दी जा रही हैं। उत्तराखंड भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है अपनी सेवा के लिए। नैनीताल की ये सुरम्य वादियाँ आगंतुकों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे स्काउटिंग की गतिविधियों को भी चार चांद लगाती हैं। यहाँ पर रहकर बहुत सारे पर्यटक के रूप में आने वाले श्रद्धालुओं को सेवा करने में और मार्गदर्शन करने में इनका योगदान रहता है। स्काउट्स अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं और तत्पर हैं अपनी सेवा में। जैसे ही प्रार्थना शुरू होने वाली है, शाम की आरती पंच आरती शुरू होने वाली है, स्काउट अपने कर्तव्य पथ पर लग चुके हैं और ये बैरियर स्काउट के द्वारा अब पूजा के लिए समय के बाद ही ये बैरियर खुलेगा, तब तक हमारी स्काउट यहाँ सेवाएं देते रहेंगे। दो दिन के बाद बरसात के बाद भक्तों का तांता मंदिर परिसर में लग चुका है और भक्त लगातार अपनी उपस्थिति माँ के दरबार में लगा रहे हैं। दरबार की जय, बोला नंद।
मंदिर में भीड़ लगातार भक्तों का आज आगमन हो रहा है और दो दिन के बाद जब वर्षा रुकी है तो ये रात के 7 बज चुके हैं और आरती के बाद श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लगातार इनका आगमन जारी है, भक्तगण इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनका नंबर आए और कब ये माँ के दर्शन करने के लिए प्रांगण के अंदर मुख्य मंदिर में पहुँचेंगे। हमारे भक्तों का आगमन लगातार जारी है। स्काउट लगातार तैनात हैं इस सेवा के लिए, लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उनके साथ उनके स्काउट मास्टर तत्पर हैं। एक जत्था जा चुका है अंदर मंदिर पर आज दर्शन के लिए, दूसरा जत्था अभी तैयारी है। जैसे ही वो जत्था निकलेगा तो ऐसे ही इनको अंदर प्रवेश के लिए भेजा जाएगा। स्काउट्स के द्वारा अपनी तैनाती यहाँ पर दी गई है नए जत्थे के इंतजार में। जैसे ही पिछला जत्था जा करके अपनी दर्शन करेगा तो तुरंत अगला जत्था यहाँ पर भेजा जाएगा। मंदिर में लगातार भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ इसमें भक्तों की मंदिर परिसर के अंदर माँ नंदा सुनंदा के दर्शन के लिए। भवानी हार मके वाला, आहा खोल दे माता खोल भवानी।
दादा।